तो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री रिवील्ड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अजंता की दो गुफाओं के बारे में जानेंगे, नंबर 4 और 5। यहाँ कुल 26 गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ गुफाएं अधूरी है तो कुछ गुफाओं में हैरान कर देने वाली तस्वीरें और शिल्पकलाएं मौजूद है। अभी हम हैं गुफा नंबर 4 में, जो यहाँ की सबसे बड़ी गुफा है, जिसमें 28 विशाल खंबे हैं और भीतर भगवान बुद्ध की खड़ी मुद्रा में 6 मूर्तियां हैं। वैसे देखा जाए तो ये गुफा भी अधूरी है। इसका काम 6वीं शताब्दी के पहले 50 सालों में किया गया था, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, और ये बात यहाँ की दीवारों की फिनिशिंग देखकर साफ तौर से समझ में आती है। और ये देखिए, बुद्धिस्ट जो मंग थे वो यहाँ पर मेडिटेशन किया करते थे। इस गुफा में ध्यान यानी मेडिटेशन करने के लिए कई कमरे बनाए गए थे, जहां आज भी शांति का अनुभव होता है। इस गुफा से निकलकर हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की गुफा की तरफ, क्योंकि 5 नंबर की गुफा अधूरी है। और एक केव नंबर 6, जिसे म्यूजिकल केव भी कहा जाता है। यहाँ की जो पेंटिंग्स है वो थोड़ी सी खराब हालत में है। गुफा नंबर 6 की 2 मंजिलें हैं। ऊपर की मंजिल तक जाने वाली जो सीढ़ियां है, उनकी खासियत ऐसी है कि इन्हें देखने पर थोड़ी देर के लिए समझ में ही नहीं आता कि नीचे उतरने वाली सीढ़ियां है या फिर ऊपर जाने वाली। इन सीढ़ियों की ढलान इतनी खड़ी है। इन सारी गुफाओं में ये सिर्फ इकलौती सीढ़ी है, और इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा हैरान करने वाला है। दूसरी मंजिल पर बनी इस बालकनी से यहाँ की सारी गुफाओं का बढ़िया नजारा देखने को मिलता है। नीचे उतरते वक्त आपको इन सीढ़ियों से काफी संभल कर उतरना पड़ता है। यह कई सारे लोगों के साथ हादसा भी हुआ है, जिसके बाद ऊपर चप्पल या शूज पहनकर जाने के लिए सख्त मनाई की जाती है। इस 2 मंजिला गुफा से निकलकर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें दिखाई देती है गुफा नंबर 7। ये गुफा भी काफी बड़ी है। यहाँ का फ्लोर और दीवारों की फिनिशिंग देखकर ये बात साफ होती है कि इस गुफा का काम भी पूरा नहीं हुआ था। इस गुफा में भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं और मेडिटेशन के लिए कमरे बनाए गए हैं। यह 2 तरह की गुफा बनाई गई थी, एक वो जिनमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, तो दूसरी वो जिनमें पूजा की जाती थी। अजंता की सारी गुफाओं को छत से नीचे तक तराशा गया था,
जो अपने आप में एक खास बात है। इन गुफाओं को बनाने के लिए सामान्य औजार ही इस्तेमाल किए गए थे, जैसे टिकाव, कुदल और छेनी हथौड़े। जरा सोचिए कि एक पूरे चट्टान में 30 गुफाएं और वो भी इतनी शानदार। इसके पहले वाली गुफाओं में मौजूद पेंटिंग्स और उनकी खासियत पर हम पहले ही वीडियोस बना चुके हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उन्हें जरूर देखिए। और आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको भारत के ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।